अप गाइस, दिस इज़ गुरु मान और आज थोड़ी बैठकर बातें करते हैं। मैं आज बोर्ड से नहीं समझा रहा हूँ, आज मैं एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है जो मुझे 10 दिन पहले किसी ने पूछा और उसी ऊपर मैं आज टॉपिक कवर कर रहा हूँ। शायद ये बहुत लोगों के दिमाग के अंदर डाउट होगा, सो जस्ट ट्राई टू गिव वेरी सिंपल आंसर। कौन क्या इम्पोर्टेंट है फिटनेस की बात की जाए, साइज के डेफिनेशन? देखिए, इसका बहुत सिंपल आंसर, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि दोनों चीजें सही है, साइज होना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, डेफिनेशन होना भी बहुत जरूरी है, दोनों अपनी तरह में सुपीरियर है। आपको ये फिगर आउट करना है कि भाई आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, आप इस दिमाग के अंदर अपने आप को क्या देख पा रहे हो, ज्यादा बल्की और हैवी, बिग स्ट्रांग, या ज्यादा लीन मस्कुलर और श्रेडेड? ये चॉइस तो आपने सोचना है और उसके बाद उस मंजिल तक पहुंचने के लिए प्लान बनाना है और एग्जीक्यूट करना है, दिन रात मेहनत करनी है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, पास्ट में अगर मैं बहुत पीछे चले जाऊं तो मेरी फिटनेस की स्टार्टिंग की जर्नी में, जब मैंने 1997 से शुरू किया था, एंड ऑफ लाइक दिसंबर, मुझे लगभग 24 साल हो चुके हैं, 24 से ऊपर है, तो पहले जो मेरे 6 साल से 7 साल की जर्नी थी उसमें मैं काफ़ी हैवी था। मतलब आप जो मुझे आज देख रहे हो इस 40 की एज में, इससे मैं 15 पाउंड हैवी था जब मैं 25 के पास था। मतलब जब मैं 25 का था, आई वॉज इवन हैवियर, 214 पाउंड के आसपास, मोर साइज एंड बल्क, डेफिनेशन मतलब नाम आतर के पास थी। मतलब उस समय, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, यू नो, यू हैव नो नॉलेज, यू गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री, यू अंडरस्टैंडिंग इट, डिमांड उस समय अभी लीन फिजीक की कम थी, कोई फिजीक मॉडलिंग, फिटनेस मॉडलिंग जैसे कॉम्पिटिशन अभी उस समय कहीं पर नहीं हुआ करते थे। देयर वॉज नो फिजीक मॉडल, ऐसा कुछ नहीं था, बॉडी बिल्डर था। सो दूसरे बंदे को कैसे मैं कैसा लगता हूँ ये उतना मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मुझे देखने वाला 100 बंदे हैं, 100 बंदे में से 50 बंदे बोलेंगे यार आप गेन करो, बाकी 50 बोलेंगे नहीं सर आप लूज़ करो, तो ये कन्फ्यूज़न रहेगी आपको। तो आपने ये नहीं देखना कि आपको दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, आप कहाँ पर कंफर्टेबल हो, क्या आप अपने आप को कौन से लेवल में देख रहे हो, उसके ऊपर आपने एग्जीक्यूशन करना है। मैंने अपने आप को दोनों फ्रेम में देखा है, मैंने अपने आप को इस फ्रेम के और ऐड कर दो 20 पाउंड हैवी देखा है जब मैं काफ़ी यंग था, मतलब बोल लो कि अनमैरिड, 25 की एज एक्सेट्रा, तो उस समय वो अलग गोल थे। अब देखा है, यू नो, बट उस समय जो मैं मिस कर रहा था, आई नीड मोर डिफाइन, मोर रिप, मोर एब्डोमिनल, फोकस ऑन मोर डेफिनेशन कटिंग, एंड देन लेटर आफ्टर 10 साल के बाद आई अचीव दैट एंड आई फिगर आउट कि मुझे डेफिनेशन फ्रेम के अंदर ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें मैं फिर आउट ऑफ शेप जाने का खतरा कम रहेगा और आप सारा साल लीन रहेंगे, डिफाइंड रहेंगे, मसल विजिबल रहेंगे और उतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं खानी पड़ेगी। उस डेफिनेशन की बात करूँ, कंपेयर टू अगर आप जब ज़्यादा साइज गेन करते हैं, तो आप अगर 10 पाउंड हैवी है तो आपकी प्लेट का साइज भी बड़ा होगा, इवन आपकी एक मील एक्स्ट्रा और ऐड होगी, क्योंकि आई एम 6'1" टॉल, तो मुझे एक और मील ऐड करनी पड़ेगी 500-600 कैलोरीज की, जिससे मैं अपने उस 215 पाउंड को मेंटेन करूं। तो आई फील लाइक शुरू में तो चलता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, ना फादर है आप, ना हस्बैंड है, इंडिपेंडेंट हो, जो मर्जी खा पी लिया, लेकिन जब आप फादर बनते हो, हस्बैंड बनते हो और काफ़ी जिम्मेवारियाँ आप पर पड़ती है, लाइफ बिजी करती है आपको, तो वो जो प्लेट 7 मील 6 मील है ना, वो कम होनी शुरू होती है। दैट्स द रियलिटी। शायद बहुत लोग जो इसको सुन रहे हैं वो यंग हैं, उनको नहीं मालूम, बट दे विल अंडरस्टैंड वंस दे क्रॉस देन नंबर 30, 35, 40, इट विल चेंज। सो दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने लाइफ के पहले 10 साल के अंदर मेरा साइज था, लाइफ के बाद के 10, 12, 15 साल के अंदर मैं ज़्यादा लीन में हूँ, तो मुझे लगता है कि आई फील आई एम कम्फर्टेबल स्टेइंग लीन। इससे मैं आने वाले 30, 35, 40 साल तक मैं अगर इस स्मॉल फ्रेम में रहूं, एंड आई बी मोर कंफर्टेबल। सो लुक नॉर्मल एंड यू ईट नॉर्मल, नॉट दैट नॉर्मल, बट यस,
क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फ्रेम इज़ नॉट दैट ईजी, और वो जेनेटिक्स भी है. आई एम नॉट मेसोमॉर्फ, आई एम कैन एक्टोमेसोमिक्स. वो भी आसान दोनों में से कुछ नहीं. अगर आप ये बोलें कि भाई गेन करना शायद आसान है, गेन करना भी आसान नहीं है और श्रेड रहना भी आसान नहीं है. दोनों में मेहनत उतनी है और दोनों के अंदर दिन रात एक ही करनी पड़ती है. और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हब आउट अगर दोनों हों, इससे बेटर क्या हो सकता है अगर बंदे का साइज और डेफिनेशन हो, ये तो फिर कंप्लीट पैकेज हो गया ना. तो सिंपल थिंग, जो आपके दिमाग के अंदर पिक्चर है, आप क्या देख पा रहे हो अपने आप को, उसके लिए अगर साइज की जरूरत है तो गो फॉर साइज, उसके लिए डेफिनेशन की जरूरत है तो गो फॉर डेफिनेशन. दोनों सुपीरियर है. ठीक है जी. ऑलराइट गाइस, गुरुमान ओवर एंड आउट.